सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो तुम सभी लोग? आई होप कि तुम लोग अच्छे होगे और यार आगे भी अच्छे ही रहना। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, अब तक मैंने आप सभी को गाइस मई मंथ का और जून मंथ का जो बुया पास है उसका सिर्फ पोस्टर वगैरह मैंने फोटो वगैरह आपको दिखाया है। लेकिन गाइस आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको अपने अपकमिंग मई मंथ का जो बुया पास है और अपना जो जून मंथ का बुया पास के अंदर रिवॉर्ड्स आने वाले है, बंडल्स आने वाले है, उसका पूरा रिव्यू देने वाला। साथ ही में गाइस मैं आपको कुछ अपकमिंग इवेंट्स के बारे में बताने वाला हूँ और अपडेट के बाद कौन कौन से न्यू बंडल्स आने वाले हैं उसका भी रिव्यू मैं आपको देने वाला हूँ। आइए देखते हैं मजा आएगा। वैसे गाइस आप सभी को पता चल ही गया होगा, ठीक है, लेकिन अगर नहीं पता तो आने वाले 19 मार्च से अपने गेम के अंदर गाइस रमजान इवेंट स्टार्ट हो जाएगा। इसी इवेंट के अंदर गाइस काफी सारे बंडल को डिजाइन किया गया है, जिसके अंदर एक बंडल है यह व्हाइट कलर का, जो कि आप लोग देखो गाइस मेरे को काफी अच्छा खासा बंडल ये लगा है। खास करके गाइस इसका जो व्हाइट कलर का टॉप है, ठीक है, इसका आप लोग यूज करके अच्छा खासा कॉम्बिनेशन वगैरह बना सकते हो, ठीक है, और इसको लेकर कुछ इस तरह का रिंग इवेंट निकल के आ रहा है। हाल फिलहाल गाइस यही अपडेट निकल के आई हुई है कि ये बंडल अपने को कुछ इस तरह का रिंग इवेंट के अंदर देखने को मिलेगा, जिसके अंदर गाइस आपको हो सकता है कि रमजान इवेंट के और भी बंडल देखने को मिल जाए। अगर गाइस आपको ये बंडल अच्छा लगता है, ठीक है, तो भाई रमजान इवेंट स्टार्ट होने का वेट करिए। जैसे गेम के अंदर रमजान इवेंट स्टार्ट होता है गाइस, इसके 3-4 दिन बाद इसका इवेंट भी अपने गेम के अंदर आ जाएगा। हर अपडेट के बाद आपको पता होगा गरना का मालिक छावली भाई अपने गेम के अंदर खतरनाक खतरनाक और टट्टी टट्टी न्यू बंडल ऐड करता है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इस अपडेट के बाद, यानी नेक्स्ट OB44 अपडेट के बाद अपने गेम के अंदर कौन से न्यू बंडल आए गए। यहाँ पे गाइस पहला बंडल कुछ इस तरह का निकल के आ रहा है, लेकिन ये जो आप लोग क्लिप देख रहे हो गाइस ये इस भाई के है, जो की एक बाहर के सर्वर के यूट्यूबर है। रिव्यू का क्रेडिट इन भाई को जाता है, जो की इनके चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। अगर बात करें बंडल की, तो बंडल को आप लोग खुद देखो, इसके जो भी पार्ट्स वगैरह है ये अपने को अच्छे खासे मिल जाते हैं, ठीक है। खास करके भाई इसका टोपा और इसका जो टॉप है ये मेरे को कते अच्छा लगा हुआ है। बंडल को आप लोग एक साथ पूरा देख लो, बंडल एवरेज बंडल यहाँ पे मिल जाता है, ना अच्छा ना बुरा। अगर गाइस ये बंडल आपको अच्छा लगता है तो फिर तो अच्छी बात है, क्योंकि ये बंडल आपको मेल के अंदर और फीमेल के अंदर मिलता है, ठीक है, जो कि भाई दोनों ही बंडल सेम है, बस आप लोग अलग अलग कैटर के अंदर इसे पहना सकते हो। नेक्स्ट बंडल को आप लोग देखो, मैं आपको गाइस गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये बंडल आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि इसका जो एनिमेशन है वो भाई कते बवाल टाइप का है। बंडल का एनिमेशन तो छोड़ो गाइस, ठीक है, ये जो बंडल है ना वो भी दिखने में काफी मस्त है, क्योंकि इसके अंदर आपको भाई जोला भर भर के एनिमेशन मिलेगा, खास करके इसका टॉप के ऊपर। जरा आप लोग एक बात को सोच के देखो, ठीक है, जैसे आप लोग इस बंडल को क्लेम कर लोगे, इसका जो एनिमेशन है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। इससे तो अच्छा ये है कि इसको प्रोफाइल एनिमेशन बना दिया जाए, क्योंकि भाई बंडल को क्लेम करने के बाद तो इसका जो एनिमेशन है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर भाई प्रोफाइल एनिमेशन होता तो कितनी अच्छी बात होती। जितना ज्यादा अच्छा इस बंडल का एनिमेशन है उतना ही गाइस अच्छा यह बंडल है, ठीक है, क्योंकि इसका जो टकला देखो, ठीक है भाई, टकला मेरे को भाई कते बवाल टाइप का लगा, एकदम चोटी वाला। बंडल की चोटली का आप लोग यूज करके अच्छा खासा कॉम्बिनेशन बना सकते हो, ठीक है, और इसी तरह इसका जो टॉप है वो भी कते बवाल टाइप का है, तो इसका भी यूज करके आप लोग अच्छा खासा कॉम्बिनेशन बना सकते हो। बंडल की चोटली ओपी, ठीक है, बंडल का टॉप ओपी, बंडल का साथ में जो मास्क मिलता है वो भी कते बवाल टाइप का है, इसका भी यूज करके आप लोग अच्छा खासा कॉम्बिनेशन वगैरह बना सकते हो, ठीक है। ओवरऑल गाइस मेरे को बंडल काफी बढ़िया लगा है। नेक्स्ट यहाँ पे बंडल रखा गया है एक फीमेल का, जो कि गाइस इसी बंडल के साथ में आपको मिलने वाला है, क्योंकि इसका टॉप देखो, ठीक है भाई, इसका जो टॉप है इसके अंदर भी उस बंडल जैसा सेम एनिमेशन देखने को मिलता है। देखो यार नॉर्मल सी बात है, अगर आप लोग फीमेल का बंडल यूज करते हो तभी ये फीमेल का बंडल आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। मैं फीमेल का बंडल यूज नहीं करता तो मेरे को ये बंडल कुछ इतना भी खास नहीं लगा है। ओवरऑल गाइस मेल बंडल और फीमेल बंडल ये दोनों ही आपको भाई कहते नेक्स्ट लेवल वाले मिल जाते हैं। नेक्स्ट बंडल वापस से एक फीमेल का रहेगा, जो कि आप लोग देखो भाई पूरा काला काला एकदम चपरी गर्ल लग रही है, ठीक है भाई। यार क्या यार इसकी जो डिजाइन है ना वो मेरे को भाई कुछ अजीब गरीब टाइप के लगी हुई है। बाकी आपको कैसे लगी कमेंट के अंदर बताना, क्या गाइस चपरी लग रही है? चपरी लग रही है भाई, चपरी लग रही है। ऑलमोस्ट डिनो बंडल तो आपको याद ही होगा गाइस, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट के अंदर यहाँ पे देखो, ठीक है, एक और खतरनाक एनिमेशन वाला बंडल हमें देखने को मिलने वाला है। ये वाला मेल बंडल मुझे कुछ ज्यादा ही गाइस अजीब गरीब लगा, ठीक है, क्योंकि भाई तो पूरा कुछ कलरफुल टाइप का बनाया गया है, ठीक है, और इसके अंदर भाई ऊपर से इसका जो थोपड़ा है इसके ऊपर थोड़ा सा एनिमेशन वगैरह डाला गया है। बंडल का जो एनिमेशन है वो कते बवाल टाइप का बनाया गया है, लेकिन भाई क्या काम का यार, जब भी आप इस बंडल को क्लेम कर लोगे इसका जो एनिमेशन है गाइस वो रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है, फिर तो भैया किसी काम का नहीं है। इस बंडल के अंदर गाइस आपको पीछे की साइड एक स्पेशल एनिमेशन वगैरह मिलेगा, ठीक है, जब भी आप किसी एनिमे को नॉक करोगे उसका किल करोगे तो इसके पीछे
पीछे आपको स्पेशल इफेक्ट वगैरह देखने को मिलेगी। इसका जो मास्क है इसके अंदर भी आपको थोड़ा बहुत अच्छा खासा एनिमेशन वगैरह मिल जाता है। बाकी इसका टोपा देखो भाई, टोपा भी कुछ अजीबो गरीब टाइप का बनाया गया है। अभी यार इस वाले मेल बंडल के साथ में गैस डिजाइन किया गया है फीमेल बंडल, जो कि आप लोग देखो गैस फीमेल बंडल भी इसके जैसा ही है। ठीक है भाई, इसके अंदर भी आपको अच्छी खासी एनिमेशन वगैरह मिल जाता है। अगर कोई लड़की भाई वीडियो देख रही है तो देख लो भाई, गरना का मालिक चावली आप सभी के लिए अच्छे अच्छे भाई फीमेल के बंडल डिजाइन कर रहा है। अपडेट के बाद अपने गेम के अंदर मॉन्सू को थीम पे गैस और भी काफी सारे न्यू रिवॉर्ड्स वगैरह आने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो एक मस्त से गैस मेल बंडल को डिजाइन किया गया है। बंडल के जो डिजाइन है वो कुछ बहुत ही ज्यादा अजीबो गरीब बनाए गए हैं। ठीक है, लेकिन गैस हो सकता है कि आपको ये बंडल अच्छा लगे, मेरे को तो कुछ बंडल इतना अच्छा भी नहीं लगा है। बाकी यहाँ पे गैस इसके साथ में है एक फीमेल बंडल। मेल बंडल और फीमेल बंडल दोनों के अंदर आपको भाई झोला भर भर के अच्छा खासा एनिमेशन वगैरह मिल जाते हैं। और यहाँ पे भाई इसके थीम पे एक बाइक की स्किन को भी डिजाइन किया गया है। तो ये थे गैस कुछ ऐसे रिवॉर्ड जो कि अपडेट के बाद अपने मॉन्सू को ओरक के थीम पे आने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो भाई एक लूट बॉक्स भी है जो कि मैं आपको दिखाना भूल गया था। तो आप लोग देखो भाई, अब गैस आप लोग मेरे को कमेंट के अंदर बताओ कि इनमें से आपको कौन सा मेल बंडल फीमेल बंडल अच्छा लगा। ठीक है, जो कि अपडेट के बाद आप लोग परचेस करने वाले हो, मेरे को एक बार कमेंट के अंदर बताना। चलिए अब अपन लोग बात करते हैं अपने मई मंथ बुया पास की और जून मंथ बुया पास की। तो सबसे पहले गैस आप लोग मई मंथ के जो बुया पास है ठीक है, उसके अंदर कौन कौन से रिवॉर्ड्स वगैरह आने वाले हैं उसका फोटो आप लोग देख लो, ताकि गैस आपको रिवॉर्ड को समझने में थोड़ी सी आसानी हो। हर बुया पास का उसका मेन रिवॉर्ड होता है एक मेल बंडल, जो कि आप लोग देखो इस बुया पास का मेल बंडल आपको कुछ इस तरह का दिखने को मिलने वाला है, जो कि भाई पिक्सल रियलिटी इस बुया पास का नाम रहेगा। बुया पास का जो टॉप है ये आप लोग देखो, ये आपको कुछ इस तरह का दिखने को मिलने वाला है। और इसके अंदर भी आपको एलिमिनेशन इफेक्ट और नॉकडाउन इफेक्ट दोनों मिलेगी। बाकी इसका बॉटम वगैरह आप लोग देख लो, शूज वगैरह आपको मिल जाता है। इसका जो फेस पेंट वगैरह ठीक है आंखों पे वो भी आपको मिल जाता है। चश्मे की स्किन वगैरह जो कि आप लोग देखो ओल्ड गस काफी अच्छा खासा बुया पास के आई थिंक बंडल वगैरह रह सकते हैं। इसकी जो हेलमेट की स्किन है इसका आप लोग यूज करके अच्छा खासा कॉम्बिनेशन वगैरह बना सकते हो। बाकी ये देखो ये रहेगा अपना इस मे मंथ बुया पास का ठीक है भाई पूरा बंडल। देखो गैस मेरे को इसका जो टॉप है मेरे को टॉप अच्छा लगा है, बाकी तो भाई ठीक है एवरेज बुया पास का बंडल मैं इससे बोलूंगा। और इसके साथ में मिलेगा आपको इसका फीमेल बंडल। मुझे गैस मेल बंडल अच्छा नहीं लगा तो भाई फीमेल का बंडल कहाँ से अच्छा लगेगा। ठीक है, लेकिन खैर गैस अगर आप लोग फीमेल का बंडल यूज करते हो तो भाई नॉर्मल सी बात है ये आपको बंडल अच्छा लगेगा। इस वाले फीमेल बंडल के अंदर भी आपको अच्छा खासा ठीक है नॉकडाउन इफेक्ट और जो एलिमिनेशन इफेक्ट वगैरह है वो इसके अंदर आपको मिल जाएगा। बाकी इसकी चोटली आई मीन इसका टकला आप लोग देख लो। गैस अप्रैल मंथ के बाद जो अपना मई मंथ आने वाला है ठीक है, मई मंथ का बुया पास के मेल बंडल फीमेल बंडल कुछ इस तरह के रहेंगे। और हर बुया पास के अंदर एक गन स्किन होती है। इस बुया पास के अंदर आपको मिलेगी VSK-94 की गन स्किन, जो कि आप लोग देखो अगर बात करें इसके एट्रीब्यूट्स की तो इसके अंदर आपको रिलोड स्पीड डबल मिल जाती है और साथ में मैगजीन सिंगल प्लस मिल जाती है। बुया पास की गन स्किन और इसके जो एट्रीब्यूट्स है ये एवरेज है। और यहाँ पर रहेगी एक पैराशूट की स्किन, जो कि आपको पता होगा कोई इसके ऊपर कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देता है ठीक है। और यहाँ पे गैस रहेगी एक सफबोर्ड की स्किन। पहले जो सफबोर्ड आते थे गैस उसके अंदर एनिमेशन वगैरह ठीक है लुक वगैरह काफी बढ़िया रहता था, लेकिन अब जो सफबोर्ड की स्किन आती है भाई उसके बारे में तो यार मैं क्या ही बोलूं। आजकल मैं गैस सफबोर्ड की स्किन के ऊपर कुछ इतना ध्यान नहीं देता क्योंकि अच्छी नहीं आ रही है। बाकी यहाँ पे देखो आपको मिलेगी एक बैकपैक की स्किन, जो की लेवल 3 पे कुछ ऐसी रहेगी, लेवल 2 पे कुछ ऐसी रहेगी और लेवल 1 पे कुछ ऐसी रहेगी। बैकपैक की स्किन गैस मेरे को बहुत ही बेकार लगी ठीक है भाई। इसका जो लुक वगैरह डिजाइन वगैरह बनाया गया है ये मेरे को बहुत ही बेकार लगा भाई। आखिर ये बैकपैक की स्किन है या फिर कुछ और ये पता ही लग ही नहीं रहा। यहाँ पे गैस आपको एक डब्बे की स्किन आई मीन लूट बॉक्स की स्किन मिल जाएगी, जो कि आप लोग देखो गैस नॉर्मल से है तो मे भी पॉसिबल रहेगा कि ये आपको फ्री पास के अंदर ही क्लेम करने को मिल जाए। और यहाँ पे गैस वापस से एक लूट बॉक्स है। बुया पास के अंदर 2 लूट बॉक्स की स्किन है तो भाई नॉर्मल सी बात है कि इसके अंदर से एक लूट बॉक्स की स्किन फ्री पास के अंदर रहेगी। और यहाँ पे आपको मिलेगी एक व्हीकल की स्किन, जो की जिप की स्किन रखी गई है। इसके अंदर एनिमेशन होता तो और अच्छी लगती। और गैस इस बुया पास का एक और मेन रिवॉर्ड रहेगा इमोट, जो कि आप लोग देखो गैस ठीक है भाई घोड़ा है या फिर गधा, मेरे को भाई पहचानने में कुछ दिक्कत हो रही है। अगर ये घोड़े वाला इमोट है तो भाई घोड़ा इतना कभी छोटा नहीं होता ठीक है भाई, गधा इतना छोटा होता है। बाकी गैस ये रहेंगे सारे रिवॉर्ड अपने मई मंथ का जो बुया पास है उसके। तो चलिए गैस अब मैं आप सभी को अपना जो जून मंथ का बुया पास है उसका रिव्यू वगैरह करके दिखाता हूँ ठीक है। तो सबसे पहले गैस आप लोग इसका फोटो वगैरह देख लो, ताकि गैस आपको रिवॉर्ड को समझने में आसानी हो। सबसे पहले आप लोग इस बुया पास का मेन रिवॉर्ड यानी गैस आप लोग बंडल को देखो, जो कि भाई बंडल मेरे को कत्ते बवाल टाइप का लगा है ठीक है।
खास करके इसका जो टॉप है वो मेरे को अच्छा लगा है। इस बंडल का जो टॉप है ठीक है, और भाई टॉप के अंदर जो हाथों के अंदर डिजाइन वगैरह बनाया गया है वो हाथों का डिजाइन मेरे को काफी अच्छा लगा है। बंडल के अंदर आपको फेस पेंट वगैरह मिल जाती है जिसका आप लोग यूज करके अच्छा खासा बंडल वगैरह को आप लोग शो कर सकते हो। बाकी इसका जो पेंट वगैरह है वो भी मेरे को काफी अच्छा लगा है, और खास करके इसका जो टकला इसका हेयर स्टाइल भी कते बवाल टाइप का है। बंडल के अंदर गाइस आपको एनिमेशन इफेक्ट और लॉकडाउन इफेक्ट मिल जाएगी तो जो कि काफी बढ़िया रहेगी। और ये देखो भाई इस बुया पास का जो मेल बंडल है इसका फीमेल बंडल है। ये फीमेल बंडल मेरे को इसलिए अच्छा लगा है क्योंकि इसका जो लुक वगैरह है गाइस बहुत ही नॉर्मल सा बनाया गया है ठीक है भाई, बाकी बंडल की तरह नहीं की भाई चपरी गिरी वाला बंडल। बंडल जितना ज्यादा गाइस नॉर्मल होता है ठीक है गाइस वो बंडल उतना ही अच्छा लगता है दिखने में ठीक है। बाकी तो भाई गरना चपरी गिरी वाला बंडल तो बनाता है आपको पता होगा ठीक है। बाकी इसके अंदर भी गाइस आपको फेस पेंट वगैरह मिल जाएगी, बॉटम वगैरह टॉप वगैरह सब कुछ काफी प्रॉपर वगैरह मिल जाएगा। फीमेल बंडल के अंदर भी गाइस आपको एनिमेशन इफेक्ट और नॉकडाउन इफेक्ट मिल जाएगी। ओवरऑल गाइस फीमेल बंडल काफी अच्छा है तो आपको भी अच्छा लगेगा। और यहाँ पे गाइस रखी जाएगी एक थॉमसन की गन स्किन। हर बुया पास के अंदर एक ना एक गन स्किन होती है, इसके अंदर आपको थॉमसन की गन स्किन मिल जाएगी। अगर बात करें इसके एट्रीब्यूट्स की तो इसके अंदर आपको रिलोड स्पीड डबल मिलेगी और साथ में एक्यूरेंसी सिंगल प्लस मिल जाएगी। अगर बात करें नेक्स्ट रिवॉर्ड की तो यहाँ पे गाइस रखी गई है एक सप बोर्ड की स्किन, जो कि आप लोगों को देखो भाई सप बोर्ड की स्किन के अंदर आपको थोड़ा बहुत एनिमेशन वगैरह मिल जाता है। और यहाँ पे गाइस रहेगी एक बैकपैक की स्किन। इस बैकपैक की स्किन को लेकर गाइस मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन में हूँ कि आखिर ये इस बुया पास की है भी या फिर नहीं ठीक है, क्योंकि इसका जो डिजाइन वगैरह है मेरे को कुछ और इवेंट का लग रहा है। लेकिन गाइस मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो बैकपैक की स्किन है ये इसी बुया पास के अंदर आपको मिलेगी ठीक है। बाकी गाइस लेवल 3 लेवल 2 और लेवल 1 पे कुछ अच्छी खासी मिलेगी। और यहाँ पे रखा गया है एक लूट बॉक्स जो कि भाई कते बवाल टाइप का है। इस बुया पास के गाइस कुछ इतने ही रिवॉर्ड मेरे को मिले थे जो कि मैंने आपको शो कर दिया ठीक है। इसके अंदर गाइस ग्रुड की स्किन का रिव्यू बाकी है लेकिन वो मेरे को नहीं मिला, वरना मैं आपको वो भी दिखा देता। मुझे गाइस ऐसा लग रहा है कि इस बुया पास के अंदर आपको आई थिंक और भी रिवॉर्ड्स वगैरह देखने को मिलेगा ठीक है। लेकिन दिक्कत ये है कि उनका रिव्यू मेरे को नहीं मिला है। जैसे ही गेम के अंदर अपडेट आ जाएगा मैं आपको इंटरफेस के साथ गाइस प्रॉपर बुया पास का रिव्यू वगैरह दे दूंगा। बाकी आप लोग मेरे को कमेंट के अंदर बताओ कि आप लोग मई मंथ का बुया पास परचेस करोगे या फिर जून मंथ का बुया पास। बाकी गाइस नेक्स्ट ईवो वर्ल्ड इवेंट के अंदर कौन सी ईवो गन आने वाली है वो आपको जानना है लेफ्ट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करो। अपडेट के बाद वीकली और मंथली मेंबरशिप के अंदर बहुत बड़ा चेंज होने वाला है, लेकिन कौन सा चेंज होगा वो आपको जानना है राइट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करो।